कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का हम लोग ये सेकंड क्लास कर रहे हैं, ऐसे तो भाई वीडियो के दृष्टि से सेकंड क्लास है, सम करेंगे। सबसे पहले एक बार क्यों का आपको रिवीजन करा दें कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट माने ठेका लेना, क्या लेना, जो ठेका लेता है उसे कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं और जो ठेका देता है उसे कॉन्ट्रैक्टी कहते हैं। जो ठेका देता है उसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टी, और जो लेता है उसे कॉन्ट्रैक्टर। तो बनाता है माने ठेका लेके हम काम कर रहे हैं ना भाई, आपका काम करे तो खर्च कौन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर। खर्चा कौन कर रहा, तो जो भी हिसाब किताब होगा किसके बुक में होगा, कॉन्ट्रैक्टर के बुक में होगा, समझे। तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे थे इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। हम समझाए थे कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर्ड इन हाउ मेनी स्टेज, थ्री स्टेज। कितना स्टेज, पहला स्टेज में खर्चा दिखाते हैं, सेकेंड स्टेज में दिखाते हैं वर्क नॉट सर्टिफाइड, वर्क नॉट सर्टिफाइड, और थर्ड स्टेज में दिखाते हैं वर्क सर्टिफाइड। वर्क नॉट सर्टिफाइड का मतलब होता है हमने काम करके दिया लेकिन सामने वालों का पता नहीं आया, हमने दिया लेकिन बोला ना नहीं बोला, फिर से करके दीजिए। तो वर्क नॉट सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड मैंने काम करके दिया लेकिन पसंद आ गया, सर्टिफाइड, समझे। हम लोग जो सम कर रहे हैं इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का सम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। एक सम हम लोग कर रहे हैं, जो लोग वीडियो से कर रहे हैं उनको वीडियो के थंबनेल में सम मिल जाएगा। चलिए सवाल खोल लीजिए, कितना नंबर सम बोले थे आप लोगों को, 11 नंबर। 11 नंबर सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, 11 नंबर सम में देखिए क्या दिया हुआ है, देख रहे हैं। और जिनके पास पासो अंदाज का बुक होगा भाई, अनसोल्व सम है आप 11 नंबर सम, पेज आपका 469 है। 11 नंबर सम देखिए क्या दिया हुआ है, देख रहे हैं। 11 नंबर सम में दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 5 लाख। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 5 लाख। टोटल कॉस्ट हम कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं देखिए, टोटल कॉस्ट हम खर्चा कर रहे हैं 287,500, 287,500, 287,500। टेक इट, फोकस। देखिए भाई सब देखिए, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एज ऑन 31 मार्च 2019। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख है भैया, ठीक है, हम 5 लाख का लिए। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकालते थे, यहाँ दिया हुआ है टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 287,500। कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क 12,500। कैश रिसिप्ट है आपका कितना, 2,65,625। रिटेंशन मनी 15%। देखिए भाई पहला स्टेज में हम खर्चा दिखाते थे, पहला स्टेज में क्या दिखाते थे, ये खर्चा दिया हुआ है माने सेकेंड स्टेज से बनाना है। टोटल कॉस्ट जो दिया हुआ है पहले लिख देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किसके बुक में बना रहे भैया, इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर के बुक में बना रहे, लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। ये कौन सा साइड है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर आपका क्या भाई, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट हो गया। खर्चा हुआ, खर्चा को क्या लिख देंगे हम लोग, टू बैलेंस बीडी, बोले क्या बोले, टू बैलेंस बीडी। कितना खर्चा हुआ है, 2,87,500, 2,87,500, ये हमारा खर्चा हुआ, ठीक है, टू बैलेंस बीडी लिख देंगे। सेकेंड स्टेप में क्या लिखते थे भाई, वर्क नॉट सर्टिफाइड कितना दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क है, कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क कितना भैया, 12,500। कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क 12,500। अब तो कुछ है नहीं, बैलेंस कर लेते हैं, 2,87,500 लेस 12,500 क्या आ जाएगा भाई, बैलेंस शीट कितना आ रहा है, 2,75,000। इस सीढ़ी को इधर बिड़ी, इस सीढ़ी को इधर, माने 2,75,000 का खर्चा हुआ है, 2,75,000 का खर्चा हुआ है। इधर में लिखते वर्क सर्टिफाई, लेकिन वर्क सर्टिफाई नहीं दिया है, देता तो लिख देते, नहीं दिया तो निकाल लेंगे भाई, वर्क सर्टिफाई निकालना पड़ेगा। सवाल में कैश रिसीव दिया हुआ है 2,65,625 दिया है ना, 2,65,625 दिया है, और नीचे लिखा रिटेंशन मनी 15%। हम जितना काम किए ना उसका 15% रुपया नहीं दिया लो, यानी कितना दिया लो,
85%, कोई भी वैल्यू 100% होता नहीं, पता तो कितना परसेंट होता है, हम जो काम किए ना उसका 15% रुपया हमको नहीं मिला, 15% रुपया नहीं मिला माने रिटेंशन मनी है, नहीं मिला माने क्या भाई, तो 100 में से हमको 15 नहीं मिला तो मिला कितना 85%, कितना परसेंट, तो कितना से डिवाइड करेंगे इसको 85, तो कितना डिवाइड करेंगे, तो 265625 डिवाइड बाई 85 इनटू 100 कर देंगे, क्यों 100 कर देंगे, क्योंकि 100% कर देंगे तो क्या आ जाएगा वर्क सर्टिफाइड, कोई वैल्यू 100% रिटेंशन मनी 15%, 100 में से 15 डाल दो कितना बचा 85, यानी 265625 85 के बराबर है, तो इस हिसाब से 100% कितना है, इस हिसाब से 100% कितना है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ, समझ रहे दीदी, ये 85 के बराबर है तो इस हिसाब से 100% कितना है, तो 265625 इंटू 100 डिवाइड बाई 85 312500, काम किए हैं 312500 का और खर्चा हुआ 275000, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा अकाउंटिंग प्रॉफिट, क्या आ जाएगा वर्किंग कर लेंगे तो अकाउंटिंग प्रॉफिट, काम किए 312500, 312500 खर्चा हुआ 275000, तो बचा कितना भैया 312500, 312500 माइनस 275000 कितना हो रहा 37500 का प्रॉफिट, ये हुआ अकाउंटिंग प्रॉफिट है, कॉस्ट बोलता है हम अपना प्रॉफिट मानेंगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट मानेंगे, अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं मानेंगे, क्लियर, एक चीज़ चेक कर लीजिएगा थोड़ा, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, परसेंटेज ऑफ कितना परसेंट हम लोगों ने काम किया, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड इसका फॉर्मूला है, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड का फॉर्मूला वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सीपी लिखे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, थोड़ा बताइए वर्क सर्टिफाई कितना का है 312500, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है भैया 5 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 5 लाख, वर्क सर्टिफाई 312500, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 5 लाख इंटू 100, बताइए कितना होगा 312500 इंटू 100, 312500 इंटू 100 डिवाइड बाई 5 लाख 62.5%, 50% से ज़्यादा काम हुआ है तो प्रॉफिट का हिस्सा हम 2/3 लेते हैं, 50 से कम काम हुआ तो कितना लेते हैं 1/3, 50 से ज़्यादा ही काम हुआ है, एक और फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोपोर्शन टू बी टेकन क्लियर है, प्रोपोर्शन टू बी टेकन फॉर्मूला है कैश रिसीव डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड इंटू एपी, एपी माने अकाउंटिंग प्रॉफिट, एपी माने अकाउंटिंग प्रॉफिट इंटू 2/3, कैश रिसीव कितना दिया भैया 265625, वर्क सर्टिफाई कितना है 312500, अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना निकला है 37,500 2/3, तो 256625 इंटू 375000 डिवाइड बाई 312500 का 265625 कैसे से दिया हुआ था बाबू, दिया हुआ क्या हुआ बोलिए, क्या बोलना था, कैसे से 11500 कहाँ दिया है देखिए अच्छे से आराम से, कैसे से 265625 इंटू 37500 डिवाइड बाई 312500 इंटू 2/3 21,250, इसको हम लिख देते हैं पी ए या नॉमिनल प्रॉफिट भी कहते हैं, क्या कहते हैं नॉमिनल प्रॉफिट, क्या कहते हैं हम लोग नॉमिनल प्रॉफिट, तो कितना आ रहा भैया 312500 में से बेस करेंगे क्या आएगा वर्क इन प्रोग्रेस, लिख देंगे प्रोविजन, ओके कितना आ रहा 16,250, कोई दिक्कत है, ये जा करके अब हमारा 11 नंबर सवाल कंप्लीट हुआ, इसके बाद 12 नंबर सवाल करेंगे, पहले इसको कॉपी करेंगे, कोई दिक्कत, छोटा सा समय से आएगा तो बना दीजिएगा ना, ये छोड़ दीजिएगा, जल्दी लिखिए जल्दी, अर्जुन के तरह हाथ छोड़ो। Yeah.
12 नंबर से हम देखें, 12 नंबर जो लोग वीडियो से करें थंबनेल में मिलेगा, या बुक है तो बुक से देख सकते हैं। देखिए ऐसा ही समय आप लोगों को बनाना है, 12 नंबर आप लोगों को बनाना है। देखिए हाउ मच प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट इन द फॉलोइंग केसेस, कितना पीएल में डालोगे फिर। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 लाख है, कॉस्ट इनकर्ड माने हम खर्चा किए हैं लिख देंगे टू बैलेंस बेटी, कैश रिसीव 90% ऑफ वर्क सर्टिफाई माने 100% कर देना वर्क सर्टिफाई आ जाएगा, तो 10,80,000 डिवाइड में 90 × 100, 10,80,000 डिवाइड में 90 × 100। उसके बाद क्या, वर्क नॉट सर्टिफाई, वर्क नॉट सेकेंड स्टेज में डाल देना वर्क नॉट सर्टिफाई यहाँ पे, ठीक है। इधर जोड़ेंगे इधर, फिर बैलेंस कर लेंगे, जैसे बनाया वैसे बनाएंगे। खर्चा दिया है, वर्क नॉट सर्टिफाई दिया, रुकिए, खर्चा दिया है और वर्क नॉट सर्टिफाई दिया हुआ है, वर्क सर्टिफाई कैसे निकालिएगा, 10,80,000 डिवाइड बाई 90 × 100, तो 10,80,000 डिवाइड बाई 90 × 100 लिख दीजिएगा वर्क सर्टिफाई, जैसे करना है जैसे किए हैं वैसे ही करना है। अभी आप हमें कंप्लीट करके दीजिए। yes,